हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प पे। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज मैं आपको अपनी वीडियो में काफ़ी स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मोस्टली ऐसा होता है हमारे घर में जब हमारी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है, जैसे आपने जब आपका पीरियड मिस हो गया उसके बाद आपने वीक या सेकेंड वीक में अपनी प्रेगनेंसी कन्फर्म की, तो हमारे माइंड में ये चलता है कि हम डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। क्या प्रेगनेंसी कन्फर्म होने के बाद इमिडिएटली जाना चाहिए या एक महीने बाद या कम्प्लीट 3 महीने बाद या जाना ही नहीं चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलती हैं। देखिए, आपके घर में आप काफ़ी फैमिली मेम्बर होंगे जो कि जैसे आपकी सास हैं, आपकी ननद है, बहुत सारे एजिड फैमिली मेम्बर्स भी होती हैं। पहले टाइम में क्या होता था, नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी, किसी भी प्रकार के इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती थी। बहुत ही रेयर ऐसा होता था कि सिजेरियन होता होगा या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती होगी। तो ऐसे में हमारे घर में जो बड़े जन होते हैं वो यही कहते हैं कि अरे, हमने तो अपने टाइम में ये सब चीज़ नहीं करवाया, अल्ट्रासाउंड और मेडिसिन्स, हम कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गए और हमने 2-3 दिन बच्चों को जन्म दे दिया और काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं हमारे। वो ऐसा आपको इस तरह से सजेस्ट कर सकती हैं कि आप क्या करोगे जाकर, और जब आपके 3 महीने कम्प्लीट हो जाएँ तब जाना, है ना, या फिर जब आपका 9वां या 8वां महीना चल रहा हो तब चली जाना। इस तरीके की आपको राय दी जा सकती है कि वाकई में हमें ये सारी बातें माननी चाहिए। ठीक है, क्या इन बातों को मानने के बाद कहीं हमें बाद में पछताना ना पड़ जाए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताऊँगी। देखिए, ऐसा होता था वाकई में कि पहले टाइम में नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी, लेकिन आप सभी जानते हैं पहले और अब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, खान पान में, रहन सहन में, हमारे वर्किंग शेड्यूल में, इन्वायरमेंट में। तो आज के टाइम में कंसीव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आपने बड़ी मुश्किल से कंसीव किया, कंज्यूम करने के बाद अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं या किसी प्रेशर में नहीं जाती हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यही आज क्लियर करने वाली हूँ, अपनी वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो डॉक्टर से मिलना बेहद ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यही कि हमारा फर्स्ट विज़िट हमारे डॉक्टर से कब होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एंड में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियोस की सारी जितनी भी वीडियोस में डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट विजिट डॉक्टर से कब होना चाहिए। जैसे ही आप अपनी प्रेगनेंसी कन्फर्म कर लेते हैं, उसके आप फर्स्ट या सेकंड वीक में अपने डॉक्टर के पास मिल लीजिए। ठीक है, आप वेट मत करिए कि मैं 1 महीने तक का वेट कर लूँ या 2 महीने तक का वेट कर लूँ या 3 महीने का वेट कर लूँ या 3 महीने बाद ही जाऊँ। नहीं, आपको कन्फर्म करने के बाद ही डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि देखिए, बहुत सारे टेस्ट, हमारे जो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं, जिससे हमारी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई दिक्कत है, तो वो डॉक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, सोनोग्राफी के थ्रू, या ऐसे ही चेक करके वो देख लेते हैं, और आने वाले टाइम में हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो चीज़ वहाँ पे क्योर हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि किसी की बातों में आपको नहीं आना, आपसे अगर कोई मना भी कर रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को अपने फैमिली मेम्बर को कॉन्फिडेंस में लीजिए, और आप प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन के बाद सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक में जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ठीक है, पर्सनली मैं आपको ये बताने वाली थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कंसीव कर लिया था और वही फैमिली प्रेशर, मैं आकर बड़ों की बात भी नहीं मान सक, अगर हम नहीं मानेंगे तो उनको भी बुरा लग सकता है। तो ऐसे में मैंने अपना चेकअप डॉक्टर से नहीं करवाया और मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो ख़राब हो गई इसी वजह से। ठीक है, कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, कुछ बहुत सारी वीकनेस मेरे अंदर रही होगी या कोई भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरा ये सब चीज़ हो गई। तो ये पर्सनली मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है जैसे ही आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्यों ज़रूरी होता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में या पहले ही महीने में अपने डॉक्टर से मिलना या टेस्ट करवाना। ठीक है, तो देखिए,
पहले महीने में बच्चे की धड़कन देखी जाती है, बच्चे में धड़कन आई है या नहीं आई है, ठीक है। ये फर्स्ट मंथ में ही बच्चे की डेवलप हो जाती है, तो डॉक्टर चेक करते हैं कि बच्चे में प्रॉपर हार्ट जो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी धड़कन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, कहीं आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन वो जो प्रेगनेंसी जो आपकी होती है वो आपके गर्भाशय में ना होकर जो हमारी फिलोपियन ट्यूब्स होती है वहाँ पर हमारा जो अंडा अंडा है जो कि वो वहाँ पर उसका प्रत्यारोपण फिलोपियन ट्यूब में हो जाता है, वहाँ पर वो स्टेबल हो जाता है, जो कि सेफ़ नहीं होती वहाँ पे, तो बच्चे का विकास नहीं हो सकता, वो बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर चेक करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे चेकअप होते हैं, बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि एक या दो वीक के बच्चे में इतने सारे डेवलपमेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे चीज़ें देखी जाती है कि बच्चे का ठीक से प्रत्यारोपण अंदर गर्भाशय में हुआ है नहीं हुआ है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही बहुत सारे टेस्ट आपके किए जाते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल सही होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका फुल टाइम हीमोग्लोबिन कम रहा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, तो आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा कि आपका सही है या नहीं है, ठीक है। आपका थायराइड का टेस्ट होता है कि आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ का टेस्ट किया जाता है कि डायबिटीज़ की तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में टिटनेस के भी इंजेक्शन लगने होते हैं, तो उसकी भी गाइडलाइन आपको डॉक्टर देते हैं कि आपको कितने टिटनेस के इंजेक्शन लगेंगे, किस किस महीने में लगेंगे। साथ ही अगर आप वीक हैं, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपके गर्भ को मजबूत करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट, कुछ इंजेक्शन, टैबलेट्स, ये डॉक्टर स्टार्टिंग में हमें सजेस्ट करती हैं, ठीक है। अगर आपने कंसीव कर लिया है और आप डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, तो ना जाने आप तो इस चीज़ के लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस बात को लेकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और सभी फैमिली मेम्बर भी खुश रहते हैं, लेकिन क्या हेल्दी प्रेगनेंसी है, क्या आपके बच्चे का जो गर्भ में प्रत्यारोपण हुआ वो ठीक हुआ है, आपका हीमोग्लोबिन सही है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट में नहीं जाओगे, आप नहीं चेकअप कर पाओगे, तो ये कमियां रह जाएंगी, ये बच्चे में भी आ जाएंगी, और जब आपकी डिलीवरी होने वाली होगी तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाते हैं। कभी कभी बच्चे में जन्मजात दोष पैदा हो जाते हैं, माँ की जान पर खतरा आ जाता है, बच्चे की जान पर खतरा हो जाता है, बच्चे को बहुत सारी ऐसी कमियां रह जाती हैं जो गर्भधारण के बाद जो बच्चों को नहीं मिल पाता, तो बच्चों को जन्म के बाद ही कभी कभी NICU में रखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं तो वो चीज़ आपके सामने नहीं आ पाएंगी, ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर अपने डॉक्टर को ये सारी चीज़ दिखा रहे हैं, तो अगर आप में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसी टाइम ग्रिप कर ली जाएगी, और कुछ ट्रीटमेंट टैबलेट्स के थ्रू या डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करें उसके अकॉर्डिंग आपकी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं शॉर्ट आउट हो जाएगी, मीन्स आगे वो प्रेगनेंसी के साथ नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की आप बेवकूफ़ी मत करिएगा। अगर आपको कोई भी एडवाइस ये करे कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, 3 महीने बाद चले जाएंगे, भाई 3 महीने बाद तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपका एक ट्रिमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सोचो कि 3 महीने बाद जाएंगे और बच्चे का तो विकास बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो वो जो चीज़ बच्चे को मिलनी चाहिए, जो एक माँ को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगी, और वो कमियाँ जो बच्चे के अंदर आ गई स्टार्टिंग से वो फिर दूर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्लीज़ आप प्रेगनेंसी कंफर्म करने के बाद अपने फर्स्ट सेकंड वीक में इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें। अगर आपको डॉक्टर सोनोग्राफी करने के लिए कह रहे हैं तो सोनोग्राफी करवाएं, अल्ट्रासाउंड करने के लिए कह रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अपनी जो भी वैक्सीन लगनी होती है वो वैक्सीन लगवाएं, अपने बच्चे का पूरा चेकअप करवाएं, ठीक है। अपने डाइट प्लान के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करें कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको अपने डॉक्टर से लेना बेहद ज़रूरी होता है, और जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप मैं अपनी वीडियो में आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाते जाते कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।